नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। उसमें आकर बोले थे कि हम जो है नया नवीकरण करके विद्यालय हम 6 महीना में जो है बनाने का काम करेंगे। हॉस्पिटल कहाँ गया वो हॉस्पिटल, अभी तक क्यों नहीं बना, कितने बेड आप बढ़ाने का काम किए। यहाँ जो है जम्मू में लोग जो है अस्पताल में हमारी माँ बहने 4-4 घंटा बेड पर डिलीवरी के कारण जो है सोई रहती और मर जाती। आज से 2 दिन पहले मर गई। एक भी डॉक्टर 6 बजे सामने नहीं, CS सामने नहीं, कहाँ है, कौन हिसाब लेगा माननीय नीतीश कुमार जी। इसका हिसाब लीजिए कि जम्मू में जो चार दिन पहले एक महिला का मौत हुआ है डिलीवरी के कारण, एक भी डॉक्टर नहीं था 7-6 बजे शाम में, CS नहीं थे, क्यों नहीं थे, क्या कारण है, इस पर क्या कार्रवाई किए प्रशासन के लोग, क्या कार्रवाई किए, इसका जवाब हमें दिया। घाटी में चूँकि चुनाव अब बिल्कुल नज़दीक है, आने जाने का सिलसिला चालू हो चुका है, कुछ कयास लगाया जा रहा है कि पुतुल देवी को भी शामिल किया जाएगा राजद। देखिए हमारा महागठबंधन सामाजिक न्याय की विचारधारा का गठबंधन है, हमारे विचारधारा को जो भी एक्सेप्ट करेंगे उन्हें हम जो है पार्टी में सम्मिलित करके उनको साथ रखने का काम करेंगे और नेता हमारे तय करेंगे कि कब उनको कैसे जो है यूज करने का काम करेंगे, कैसे उनको सम्मान देने का काम करेंगे, ये नेता तय करेंगे। NDA में क्या चल रहा है, जैसे वो कह रहा है कि भाजपा के हैं चिराग पासवान और मांझी जी हैं हमारे, मतलब क्या चल रहा है ये NDA नया? ये NDA अंदर से बहुत टूटा हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। नीतीश कुमार जी को देख रहे होंगे अंदर खाने से ही जो है भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए कुछ नेताओं को और हमारे पार्टी के विधायकों को लेकर गए कि कहीं भारतीय जनता पार्टी हमें धोखा देगा तो हम जो है RJD के पहलवान के बूते जिनको लाया है, जिसका हमारे यहाँ नंगोटा ढीला हो चुका था, उसको नंगोटा कसवाने के लिए तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में, इसलिए वह काम कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्य है। दूसरे को ला के उनके पास उम्मीदवार नहीं है, मुख्यमंत्री जी के पास क्या 15 साल आप राज किए माननीय मुख्यमंत्री जी, 15 साल राज करने के बाद सत्ता में बैठने के बाद बहुत सारे विधानसभा में आपके पास उम्मीदवार नहीं है चुनाव लड़ने वाला, जिसके कारण RJD के विधायक को तोड़कर ले जाकर आप जो है पहलवान बनाना चाहते हैं। चिराग पासवान जी NDA में है और भारतीय जनता पार्टी का अंदर अंदर वह मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हटाकर न तो चिराग पासवान को बनाएंगे न तो नीतीश कुमार को बनाएंगे, किसी तीसरे को जिस तरह से UP में किए थे उसी तरह करके सपनों का सौदागर दिखाएंगे लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जनता को, हर एक जात से सपना दिखाएंगे और अंतिम में जो है वह गोटी RSS के होने के बाद उनको जो है नौकरी दी जाएगी। तो मर्डर पर आप नौकरी देने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब उस समाज को जो है मिट्टी पलित करना चाहते हैं और उस समाज का जितना उत्पत्ति होना चाहिए, विकास होना चाहिए, उसको जो है मौत के गाल में जो है उतारने का आप काम कर रहे हैं। यह कहीं नियम है कि जो मर्डर हो जाएगा उसके बाद उस परिवार को नौकरी दी जाएगी? यदि आप यह नियम निकाले हैं तो पूरे जात धर्म के लोगों के बारे में, ऊंची जात के बारे में, OBC के बारे में, अति पिछड़ा के बारे में, पिछड़ा के बारे में, सबों पर यह नियम निकालिए। एक जो है महादलित को क्यों आप मारने पर उतारू हैं कि उनको मारो और जो है नौकरी लिया जाए? कोई भी जो है बाल बच्चा जो है अपने पिताजी को मार देगा और नौकरी मांगेगा? यह जो है दुर्गंध क्यों नीतीश कुमार जी देश में और बिहार में फैलाना चाहते हैं? यह जो है जाति प्रथा को आप बांटना चाहते हैं। यह दुर्भाग्य जो आज से हजारों साल पहले मनुवादी व्यवस्था ने कायम किया वही मनुवादी व्यवस्था आप आज कायम करना चाहते हैं, यह जो है कतई बिहार के लोग बर्दाश्त। लाखों करोड़ों युवा पढ़ लिख के परिवार उसका खेत बेच के किसान किसी तरह से अपने बच्चे को पढ़ा रहा है एक अदद नौकरी के लिए। अब पूरे देश का हालत है कि नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है लोग के पास, और आप कहते हैं कि दलित अगर कोई मरेगा तो उसके घर में नौकरी देंगे, क्या ही बयान है? हमें बता देने कि जो है महादलित या दलित को जो वो 3 डिसमिल से 5 डिसमिल करने का काम किए थे, कितने जो है महादलित बनने के बाद 5 डिसमिल जमीन देने का काम किए हैं, कितने लोगों का इंदिरा आवास बनाने का काम किए हैं, कितने लोगों को जो है आदरणीय लालू यादव ने जितने लोगों को इंदिरा आवास दिया है उससे एक कोना भी आज तक अभी इंदिरा आवास देने का काम नहीं किया है, और लोगों को बरगलाते हैं आप उनको जमीन देकर और उनका मकान बनाकर। हमें बताइए, लिस्ट दीजिए कि कितने लोगों को बनाए। महादलित का हमने आवाज़ बुलंद किया, 1996 के पहले का जितना भी इंदिरा आवास था उसको डिमोलिश करके नवीकरण के लिए हमने आवाज़ उठाया,
जिसका कि वह जो है बड़ा बड़ा जो है चेक देने का काम किया आज से 1.5 साल पहले हमारे इंदपे के जो है मांझी परिवार में, लेकिन आज तक जो है पूरे जम्मू जिला से लेके बिहार में यह नियम लागू हो गया है, लेकिन किन्हीं का 96 के पहले का किन्हीं का इंदिरा आवास तोड़कर जो है डिमोलिश करके उसको बनाने का काम नहीं कर रहा, वह पैसा जो है अपने पॉकेट में रखे हुए नीतीश कुमार। बिहार में कोरोना बाढ़ और अब चमकी बुखार फिर से शुरू हो गया, तो क्या कर रहे हैं? 12 गो का मौत हो गया, आज का आंकड़ा है 12 मौत हो गया, फिर चमकी बुखार। दुर्भाग्य है नीतीश कुमार जी का, बोलते हैं अस्पताल बना देंगे, ये बना देंगे। नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराया हुआ है। हम पूछना चाहते हैं कि सेंट्रल मिनिस्टर आज से 2 साल पहले चमकी बुखार में आए थे, जो कि 100-125 लोग मरे थे हमारे।